आधारभूत सुविधाओं तथा वित्तीय क्षेत्र में हुए विकास। आधारभूत सुविधाओं अर्थव्यवस्था के विकास का चालक है। हमारे देश के सकल घरेलू उत्पाद में बढ़ोतरी करने, सड़कों, हवाई अड्डों, रेलवे, बंदरगाहों और अंतर्देशीय जलमार्गों के नेटवर्क से देश को जोड़ने व एकीकृत करने तथा अपने नागरिकों को अच्छी गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए अवसंरचना में 50 लाख करोड़ रुपए से अधिक के अनुमानित भारी भरकम निवेशों की जरूरत होगी। हमने रेल और सड़क क्षेत्रों में अब तक सबसे ज्यादा आवंटन किया है। हम सरकारी निवेश और बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। विद्युत हेतु कोयला, रेलवे हेतु विद्युत और कोयले के लिए रेलवे रेक जैसे मुख्य संपर्कों की व्यवस्था युक्तिसंगत और बहुत सूक्ष्म बनाई गई है। प्रधानमंत्री जी व्यक्तिगत रूप से नियमित आधार पर विनिर्माण क्षेत्रों के लक्ष्यों और उपलब्धियों की पुनरीक्षा करते हैं। अकेली प्रगति की ऑनलाइन मॉनिटरिंग प्रणाली का प्रयोग करते हुए 9.46 करोड़ रुपए की परियोजनाएं सुगम व तीव्र गति में लाई गई है।